नागपुर शहर शिवसेना और भारतीय विद्यार्थी सेना की ओर से 54वां जन्मदिन बाला साहेब ठाकरे इनका मनाया गया। शिव सैनिक नागपुर से मुंबई पैदल जाने वाले है। आइए डालते हैं एक नजर। मुंबई में मद्रासियों को बाहर भगाने के लिए आज से 55 वर्ष पहले शिवसेना इस पार्टी की स्थापना मुंबई में की गई थी। बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी का नारा देते हुए शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे और तमाम शिव सैनिकों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर कई आंदोलन मुंबई में छेड़े थे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भले ही आज अपने बीच शरीर से ना हो, लेकिन उनके विचार आज भी शिव सैनिकों के लिए प्रेरणा देते हैं। बाला साहब ठाकरे इनका आज 54वां जन्मदिन नागपुर शहर शिवसेना व भारतीय विद्यार्थी सेना की ओर से मनाया गया। इस मौके पर ठाकरे और प्रवीण शर्मा इन्होंने इन विशेष समक्ष जानकारी दी। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब जी ठाकरे इनका 54वां जयंती आज पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज शिवसेना नागपुर शहर की ओर से और भारतीय विद्यार्थी सेना की ओर से भी बाला साहब जी ठाकरे इनका 54वां जयंती का जो कार्यक्रम है यह बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे बाला साहब की घोषणा देते हुए नजर आ रहे हैं। बाला साहब जी ठाकरे इनके पदचिन्हों पे चलने का इन्होंने पूरी तरह से मानस बना लिया और इस समय में ये तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में हैं। कुछ मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इस समय में प्रकाश गुरुदयाल ठाकरे एक ऐसे शिव सैनिक है जो नागपुर से मुंबई ये पैदल चलने वाले, सबसे पहले उन्हीं के और रुक करते उनसे जाना चाहेंगे। प्रकाश ये बताए कि आपके मन में ये बात कैसे आई कि आप पैदल जाना चाहते हो मुंबई में? मैं इसके पहले मैं नागपुर में काम करता था महफिल बार में, तो वहाँ से मैं आज तक चैनल करता था, आज तक चैनल था अनक, आज तक चैनल से मैं उससे प्रभावित हुआ और वहीं से मेरा मूड हुआ कि नहीं मेरे को मुंबई जाना चाहिए इस कार्यक्रम के लिए सा, और मैंने वहाँ से छुट्टी लेके परंतु घर गया, घर से एक बैनर बनाकर मैंने उसमें गया था, 100 में 90 भाईमान फिर भी मेरा देश मान सबका भला करो भगवान, इसी अंतर्गत पहली बार मुंबई गया था। अभी आज जा रहा मैं स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर मुंबई। बिल्कुल, तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शिवाजी पार्क में जाके वहाँ अपनी जो है अभिवादन करना चाहेंगे। इस समय में प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ में, उनसे बात करें। प्रवीण जी ये बताएं कि शिव सैनिकों में आज जो जोश दिखाई दे रहा है कैसा लग रहा है? वो जोश इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी जो कि महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही वह मार्गदर्शन वाले एक नेता थे, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रकाश ठाकरे जी ये मुझसे संपर्क किए, ये एमपी के रहने वाले हैं फिर भी उन्होंने मुझे पिछले साल संपर्क किया, तो हम इस बार पूरा शिवसेना भारतीय विद्यार्थी सेना शहर की ओर से इनको मदद कर रहे हैं और यह पदयात्रा के लिए जो कि आज दंतोली कार्यालय से यह पदयात्रा निकल रही है मुंबई के लिए, यह पैदल निकलेंगे और शिवाजी पार्क जो वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी का स्मारक है वहाँ पे साहब का आशीर्वाद लेते हुए ये अपनी पदयात्रा को समापन करने वाले हैं। बिल्कुल, आप थे प्रवीण शर्मा जिन्होंने बखवेर बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा कि इनके जो पदाधिकारी है ये मुंबई के शिवाजी पार्क में जाकर वहाँ अभिवादन करने वाले। सवाल ये बनता है कि जिस तरह से इन्होंने जो कोशिश की, इनके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनविजन न्यूज़ नागपुर।